हेलो गाइस, मैं नवी जोगेश एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न। तो दोस्तों, यहाँ पर सीबीएसई की तरफ से एक बिग अपडेट आया है कि सीबीएसई ने यहाँ पर कुछ नोटिस जारी किया है कि एग्ज़ाम कब आएगा। तो नोटिस के यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं। तो पहले तो हम हेडलाइन पढ़ के देखते हैं कि दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और 12th रिमेनिंग एग्जाम डेट 2020। तो दोस्तों, ये न्यूज़ अभी आई है जनसत्ता की तरफ से 2 घंटे पहले। तो सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम नोटिस जल्द जाने कब आ सकते हैं रिजल्ट। तो दोस्तों, आपने जिस नॉलेज पर इस वीडियो को क्लिक किया है तो वीडियो को पूरा देखें, साउंड क्वालिटी पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक तो बनता है दोस्तों। तो हम पढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। देखो बोर्ड तो ठीक है, यहाँ पे हमने पहले पढ़ चुका है। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने वैश्विक महामारी नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 प्रकोप के चलते सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12वीं और 10वीं की परीक्षा 31 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी थी। तो बोर्ड ने यह सूचना 18 मार्च 2020 अपने आधिकारिक वेबसाइट के जरिए थी। तो आज 1 अप्रैल 2020 को बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी किया कर सकता है। तो जाहिर है कि कोरोना वायरस से संक्रमित की संख्या बढ़ने पर सरकार द्वारा 21 दिन की देशबंदी यानी लॉकडाउन घोषित है। यानी अनुमान लगाना गलत नहीं होगा कि बोर्ड परीक्षा 14 अप्रैल तक स्थगित रहेगी। हालांकि आधिकारिक नोटिस के बिना हम यह अपेक्षा की तारीख अभी तक दावा नहीं कर सकते। तो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया कि आधिकारिक नोटिस के बिना हम परीक्षा की तारीख का अभी तक दावा नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आगे और भी कुछ लिखा है तो वीडियो को स्किप ना करें, आगे और भी बहुत कुछ लिखा है, हम उसको पढ़ते हैं। तो वहीं कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो अगर सीबीएसई बोर्ड बचे बाकी एग्ज़ाम अप्रैल महीने में ही करा लिए जाए तो मई में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम रिजल्ट 2020 जारी होने की संभावना पूरी है। ठीक है, पूरी संभावना है। तो 18 मार्च के बाद सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12वीं और परीक्षाएं में व्यावसायिक अध्ययन। तो दोस्तों, 12वीं जो कक्षा थी उनके जो व्यावसायिक अध्ययन और समाज शास्त्र के विषय जो है उनके सब्जेक्ट, जबकि सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा के सूचना प्रौद्योगिक परीक्षा जैसे कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रम की परीक्षाओं को कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित करना पड़ा था। फिलहाल सभी सीबीएसई बोर्ड के छात्रों की सलाह दी जाती है कि वे परिणामों पर ताज़ा अपडेट के लिए बोर्ड के अधिकारी वेबसाइट पर नज़र बना सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सीबीएसई बोर्ड के अधिकारी वेबसाइट पर नज़र बना सकते हैं और हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, मैं आपको इसी तरह की रिलेटेड न्यूज़ अपडेट डे बाई डे प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आगे और भी कुछ लिखा है तो हम आगे पढ़ते हैं कि बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय एचआरडी मंत्रालय ने सीबीएसई नॉइस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग स्कूल ठीक है और एनटीए को निर्देश दिया है कि वर्तमान कोरोना वायरस को लॉकडाउन की वजह से परीक्षाओं के संशोधित शेड्यूल पर काम करें। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तो एनटीए ने विभिन्न परीक्षाओं के लिए चल रही आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि पहले ही बढ़ा दी। तो दोस्तों, जो यहाँ पर एनटीए ने प्रवेश परीक्षाओं के लिए चल रही आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि को वो बढ़ा दिया था पहले ही, तो इसलिए बोर्ड रिजल्ट के बाद एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होने वाले छात्रों को ज़्यादा परेशान नहीं होगी। तो सीबीएसई ने 2019 में कक्षा 10वीं के परिणाम 6 मई को घोषित किए थे, जिससे कुल 13 छात्रों ने 99.9% अंक हासिल किए थे। तो अब हम दोस्तों, ये न्यूज़ आई थी तो यहाँ से आपको कुछ नोटिस सीबीएसई जारी किया है। तो दोस्तों, वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और एक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए।